अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज आप उनको मैं एक यूनिक स्क्वाड डिज़ाइनिंग बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इजी एंड अफेक्टिव है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक लाजमी पहुँचे। तो गाइस, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग पिक्सल लैब ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस होगा, तो यहाँ से कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा टिक रिमूव करें, फिर इमेज साइज सेलेक्ट करें, यहाँ से यूट्यूब थंबनेल। तो इसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करें, जो भी आप लगाना चाहते हो। यहाँ से सिंपली मैंने डार्क ब्लू सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोग शेप पर क्लिक करें। यहाँ से शेप को थोड़ा सा रोटेट करके इस तरह नीचे लगाना है, थोड़ा सा छोटा करके इस कर्न पर लगाना है। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने एडजस्ट करना है। यहाँ पर कापियाँ बनाकर, एक एक कापी बनाकर इसके साथ लगाना है। कापी लगाने के बाद यहाँ से सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से एडिट पर क्लिक करें और यहाँ पर सिंपली डॉट लिखें। यहाँ से टेक्स्ट से डॉट सेलेक्ट करें और यहाँ के दरमियान यहाँ पर सेंटर पर एडजस्ट करें। थोड़ा सा इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम करते हैं। यहाँ से सिंपली 20 तक लाना है, 20 तक लाने, 15 तक, 15 लाने के बाद यहाँ से इसका पोजीशन या अपनी जगह पर तक लाना है। तो इसी तरह एक एक को यहाँ पर कॉपी करके इसे सेंटर में लगाना है। इस तरह लगाने के बाद यहाँ से सिंपल डबल सेंटर पर क्लिक करके यहाँ से सबों को कंबाइन करना है। सबको सेलेक्ट करके नीचे कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद यहाँ से सिंपली आप छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज यहाँ पर सिंपली पिंक कलर सेलेक्ट करें। पिंक कलर करने के बाद यहाँ से सिंपली थोड़ा सा छोटा करके इस कॉर्नर पर लगाएं और यहाँ पर कॉपी करके आप, और यहाँ से सिंपली कॉपी करके दूसरा भी लगा सकते हैं। यहाँ से कॉपियाँ बनाकर आप सेंटर्स पर लगा सकते हैं, साइड्स पर लगा सकते हैं इजीली। तो इस तरह यहाँ पर दोनों साइड पर आ चुके हैं जो कि नए 2023 वर्ल्ड कप के लोगोज हैं। यहाँ पर सिंपल शेप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से राउंड शेप सेलेक्ट करें। राउंड करने के बाद इसका लेंथ जो है थोड़ा सा बड़ा करें, इसका वेट भी थोड़ा सा बड़ा करें। बड़े करने के बाद यहाँ से सिंपली इस राइट कॉर्नर पर एडजस्ट करें और बाकी सबको लॉक करें। लॉक करने के बाद यहाँ से सिंपल टू बैक पर क्लिक करें। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, वही पिंक कलर आप सेलेक्ट करें और इस तरह आप लोग एडजस्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ से सिंपली आप स्ट्रोक पर क्लिक करें। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद यहाँ से वाइट स्ट्रोक आ चुके हैं। यहाँ से सिंपली आप कॉपी भी बना सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी बनाकर यहाँ से सिंपली टू बैक पर क्लिक करें। टू बैक करने के बाद यहाँ से सिंपली कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप ब्लू कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो भी अदर कलर आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से सिंपली आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ सिंपली आ चुका है। यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करके जो भी कैप्टन का फोटो है वो आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस शेप के ऊपर लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं ईजीली। देन यहाँ से सिंपली शेडो पर क्लिक करें, इसके जो शेडो है थोड़ा सा वाइट करें ताकि फोटो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। तो गैस, यहाँ से सिंपली आप लोग दोबारा शेप पर क्लिक करें। शेप पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें ताकि कलाड़ी का फोटो इसमें ईजीली आ सके। तो यहाँ से इसका रिड्यूस थोड़ा सा बढ़ाते हैं। रिड्यूस बढ़ाने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोग छोटा करके इस साइड पर आप लगा सकते हैं, इसको छोटा करके ताकि खिलाड़ी का साइज़ के मुताबिक आ जाए। इसके लिए आप यहाँ से सिंपली छोटा भी कर सकते हैं। तो वह यहाँ सिंपली जूम पर क्लिक करके यहाँ से जूम भी कर सकते हैं। तो इसका कॉपी बनाकर यहाँ पर नीचे आप लोग लगा सकते हैं नेम के लिए, जो भी नेम आप लगना चाहते हो यहाँ से सिंपली आप नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ से रिड्यूस मैंने ख़त्म किया। यहाँ से सिंपली शेप को लाकर इसके अंदर एडजस्ट किया।
तो यहाँ से नेम के लिए भी शेप आ चुका है। इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली पिंक कलर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से चलो पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं। जो भी पिक्चर्स हो आप लगाना चाहते हो यहाँ से सिंपली आप लगा सकते हैं। उसको थोड़ा सा छोटा करके शेप के अंदर एडजस्ट करना है। तो चलो ट्राई करते हैं, इसके फोटो के मुताबिक शेप बनाते हैं। तो शेप थोड़ा सा बड़ा है, उसको छोटा करना है। यहाँ से सिंपली फोटो को सेट पर करें थोड़ा सा सेट। तो यहाँ से सिंपली शेप को थोड़ा सा जो वेट है लेंथ है वो थोड़ा सा कम करना है। तो इसी तरह नेम का जो शेप है उसको भी थोड़ा सा छोटा करना है। तो यहाँ से फिर पिक्चर को रिमूव करें। यहाँ से सिंपली दोनों को कंबाइन करें। कंबाइन करने के बाद यहाँ से सिंपली कंबाइन करें। कंबाइन करने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोग इसकी कापियाँ भी बना सकते हो। यहाँ से सिंपली लाइंस पर क्लिक करें और लाइन यहाँ से सिंपली इसके नीचे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ये इस लाइनों के दरमियान यहाँ से सिंपली आ जाए ताकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने कापियाँ बनानी है, जितने भी आपके स्क्वाड है। यहाँ से सिंपली मैं 10 कापियाँ बनाता हूँ। यहाँ पर सिंपली हमारे कापियाँ भी बन चुकी है एक एक करके। यहाँ से 10 कापियाँ और एक कैप्टन 11 खिलाड़ियों का स्क्वाड बन चुका है। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने लॉग करना है ताकि हमारे टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके बाद यहाँ से एक एक फोटो भी आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं और इस शेप के अंदर आप लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से जूम करें, जितने भी आप जूम करना चाहते हो जूम कर सकते हो। यहाँ से सिंपली जूम को दोबारा लग करें। यहाँ से सिंपली पिक्चर्स को इस शेप के अंदर एडजस्ट करें। तो यहाँ से दूसरा फोटो आप भी लगा सकते हैं। यहाँ से फिर इंपोर्ट पर क्लिक करें जो सेकंड नंबर खिलाड़ी है और आप लोग यहाँ पर सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से गिनती से एक एक फोटो सेलेक्ट करके यहाँ से इस शेप के अंदर इजीली आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा इंपोर्ट पर क्लिक करें जो थर्ड नंबर खिलाड़ी है वो यहाँ से सिंपली आप लोग लगा सकते हैं। तो हमारे 10 खिलाड़ियों का स्क्वाड यहाँ से सिंपली बन चुका है। यहाँ पर सब का पिक्चर्स लग चुके हैं। पिक्चर्स लगाने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोग टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आप जो कैप्टन का नाम है उसके लिए भी आप लोग शेप सेलेक्ट करें। यहाँ से इसका कलर भी चेंज करें, पिंक कलर सेलेक्ट करें। तो यहाँ से सिंपली आप लोग स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, शेडो भी लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हो। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक करके जो टीम का नाम है वो यहाँ से ईजिली आप लोग लिख सकते हैं। इंडिया स्क्वाड, ये इंडिया का स्क्वाड है। ये 2023 वर्ल्ड कप के लिए नया स्क्वाड है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ से सिंपली फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करें। यहाँ से सिंपली हमारा स्क्वाड बन चुका है। यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ से जो टूर्नामेंट का नाम है ICC वर्ल्ड कप 2023 यहाँ पर सिंपली आप भी लिख सकते हैं, या जो भी आप कर लीग या कोई टूर्नामेंट लिख चल रहा हो उसी तरह आप जो नाम है आप सिंपली लिख सकते हैं। इसको यहाँ से सिंपली छोटा करके इस नाम के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। इस नाम के नीचे यहाँ से सिंपली कलर भी आप अगर चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से सिंपली 2023 का कलर मैंने चेंज किया है। और यहाँ से दोबारा इंपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ से सिंपली जो भी टूर्नामेंट का लोगो है यहाँ से इजीली आप लोग लगा सकते हैं। तो इसको साइज को छोटा करके यहाँ से इसका लेफ्ट कॉर्नर पर आप लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली लोगो लग चुका है। यहाँ से टीम का लोगो भी आप अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली आप टीम का लोगो भी लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से इसको छोटा करके इस राइट साइड पर आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं टीम का लोगो भी लग चुका है। यहाँ से सिंपली दोबारा इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके इस नेम को नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद यहाँ से सिंपली एडिट पर क्लिक करके जो भी है आपका नाम हो या कोई भी चीज़ आप यहाँ से ऐड करना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। जिस तरह मैं चैनल का नाम लिखा है ABKYOHAN 2.0, मेरे चैनल का नाम है। यहाँ से सिंपली आप लोग नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करें। शुक्रिया। यहाँ से इजीली आप नेम भी लिख सकते हो। यहाँ से प्लस पर क्लिक करके यहाँ से एडिट पर क्लिक करें। यहाँ से सिंपली आप जो खिलाड़ी का नाम है वो इजीली आप लोग लिख सकते हो।
तो यहाँ से मैंने नंबर पर कॉल किया है, यहाँ से सिंपली मैंने नाम लिखा है, यहाँ से इसलिए आप लोग फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से माई फोन करके यहाँ से कूली का नाम मैंने लिखा है, फ़ॉन्ट्स भी चेंज किया है। आप लोग फ़ॉन्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हो, अगर आपके पास हो तो इजीली आप लगा सकते हो। यहाँ से कभी अगर दूसरे खिलाड़ी का नाम लिखता है, यहाँ से सिंपली कॉपी बनाकर एडिट पर क्लिक करें और यहाँ से दूसरे खिलाड़ी का नाम भी ईजीली आप लोग लिख सकते हैं। तीसरे का भी बनाकर तीसरे के भी आप नाम लिख सकते हैं। तो इसी तरह एक एक करके सबका नाम लिखना है। यहाँ से सिंपली मैंने सबका नाम लिखा है, इसलिए एक एक करके यहाँ से नाम मैंने लिखा है। लिखने के बाद यहाँ से सिंपली इस टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ से सिंपली कैप्टन का नाम भी लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ से मैं कैप्टन का नाम लिखता हूँ बड़े फ़ॉन्ट साइज़ पर। यहाँ से इजीली आप लोग लिख सकते हैं। तो अगर आप शेप का स्ट्रोक भी चेंज करना चाहते हो, यहाँ से स्ट्रोक पर क्लिक करें, यहाँ से सिंपली आप लोग स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हो। तो गाइस हमारा स्क्वाड बन चुका है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और या अगर आप एज अ प्रोजेक्ट भी सेव करना चाहते हो तो यहाँ से ऊपर क्लिक करके एज अ प्रोजेक्ट भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली नाम देकर ऐसा प्रोजेक्ट भी सेव कर सकते हैं। अगर किसी को प्रोजेक्ट चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता करें। यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करें, कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से अल्ट्रा साइज सेलेक्ट करें और वीडियो को एक्सपोर्ट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।